Hello, my lovely sons out there. This is ARK representing Anakanai. Dear all, आज का session start करते हैं important question साथ में. All right, so start the question. Can private limited company or unlisted company buy back its own shares or securities? So answer is yes. And इसके लिए company को याद रखिएगा दो important बातों को याद रखना है, समझना है, follow करना है. जी हाँ, सेक्शन 68 सबसे वन ऑफ कंपनीज एक्ट, और साथ के साथ हमें रीड करना होगा रूल 17 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 14. क्या सर यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? जी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसीजरल क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, और क्योंकि देखा जाए जो गवर्निंग एस्पेक्ट्स हैं कंपनी की, जी हाँ, गवर्नेंस रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी पर रखी जाती है. तो ये बहुत जरूरी है कि एक स्टूडेंट को ये बहुत अच्छे से पता हो कि लिस्टेड या अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट कंपनी को अगर अपने बायबैक करने सिक्योरिटीज को या शेयर्स को, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. इस सेशन के अंदर डिटेल में समझाऊंगा एग्जाम के क्या यू नो व्हाट क्वेश्चन बन सकता है, वो भी डिस्कस करूंगा. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा. ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एनआरके 9 लगातार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज चैप्टर सीरीज के साथ चली रही है. रेगुलर क्लासेस अगर आपने परचेज नहीं किए तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा. रेगुलर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है. एग्जाम को क्रैक करने का बेस्ट मेथड है, और सिर्फ क्रैक ही नहीं, अच्छा स्कोर करने का. अगर आपको अच्छा स्कोर में करना है, और ऑफ कोर्स कौन नहीं करना चाहेगा, तो आप रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आइएगा, देखिए जब हम बात कर रहे हैं बायबैक, अगेन पे अटेंशन, जब हम बोल रहे हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, तो माइंड में दो बातें आती हैं और याद हमें रखनी भी होगी जब हम एग्जाम के अंदर अपना आंसर ड्राफ्ट करेंगे. तो ये प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हैं सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल 17 ऑफ शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 14. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि सर अगर क्वेश्चन आता है प्रोसीजर को लेके, क्योंकि जनरली क्वेश्चन एक आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए प्रोसीजर. ऐसा नहीं है कि सेक्शन 68 सेक्शन 1 आप पूरा का पूरा ड्राफ्ट करके आ रहे हैं, फिर रूल 17 ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात और बता दूं आपको, मैंने ऑब्जर्व किया कई स्टूडेंट्स की कॉपीज में, वो जनरली गलती क्या करते हैं कि आंसर क्वेश्चन पूछा क्या गया है और वो सब कुछ लिख के आ जाते हैं. अब उससे प्रॉब्लम क्या होता है? पहली बात, आपका ज्यादा लिखने से आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है. आपको वही लिखना है. देखिए समझिए, लॉ की लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है, आंसर भी स्पेसिफिक ही है. आप उसमें बहुत कुछ प्रोवाइड कर देंगे कोई फायदा नहीं है. जैसे अभी अगर हम इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिंपली क्या अपना कंपनी ऐसा कर सकता है, तो अगर मुझे सिर्फ इसी का आंसर करना हो, ध्यान सुनेगा, अगर मुझे सिर्फ इसी का आंसर करना है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं यस अ कंपनी कैन डू सो प्रोवाइडेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 एंड वी आर रिक्वायर्ड टू रीड द रूल नंबर 17 ऑफ शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 14. ये इस बात को सिर्फ आंसर करने के लिए, बट ये जस्टिफाइड आंसर इसलिए नहीं है, सॉरी अगर देखा जाए एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग आंसर इसलिए नहीं है, क्योंकि यहां पर 68 सेक्शन 1, जी हां सेक्शन 68 सेक्शन 1 क्या कहता है, वैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं. वो क्लास अगर नहीं देखा देख लीजिएगा, नहीं मिला है क्लास एनआरके 9 के व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजिएगा, क्लास आपको प्रोवाइड कर देंगे. और अगर मैं यहां पर अगर रूल 17 कह के ही छोड़ देता हूं तो प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एक्चुअली ना कंपनी सेक्रेटरी, जैसे मैंने कहा आपको प्रोफेशन में आपको पता होना चाहिए कि मुझे आखिर करना क्या होगा. आपसे जो बोर्ड एक्सपेक्ट करेगा, जी हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सपेक्ट करेंगे, वो ये करेंगे कि जो गवर्निंग एस्पेक्ट्स हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करने की, वो क्या क्या होंगे. अब हमारे क्वेश्चन में जो है वो प्राइवेट लिमिटेड या कोई अनलिस्टेड कंपनी का अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर सीकिंग योर एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ द बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, सो आपको उन्हें सजेस्ट करना है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन करनी है. इसलिए सबसे पहले हम याद रखेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें हमारे आंसर को ऑथेंटिकेट करना है, और ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें बताना होगा क्या कि रूल 17 के बारे में बात करता है. डियर पे अटेंशन, सेक्शन 68 सेक्शन 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ आपको प्रोसीजर बताना है, यू नो नीड टू डिफाइन सेक्शन 68 सेक्शन 1. अगेन आई एम टेलिंग यू, हमको लगता है कि मैंने देखो सेक्शन 68 भी डिफाइन कर दिया तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, अच्छा अच्छा मार्क्स देगा, ऐसा नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लॉ पढ़ रहे हैं. ऑलराइट, एनीवेज, तो यहां हम बात करेंगे रूल 17 की. जब हम बात करेंगे
अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी को बाय बैक करने अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को। तो पहला बात, उसके लिए रूल 17। मैं हर एक बात को इतनी बार भी रिपीट करूंगा ताकि आप बार बार मेरे साथ बोल लें और याद भी कर लें। ऑलराइट, तो रूल 17 जो है वो ये किसका है, कंपनीज कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 14। पे अटेंशन, वापस से रूल 17 किसके बात कर रहा है, कंपनीज कैपिटल डिबेंचर रूल 14। क्लियर? ये कहता है सबसे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। वैसे तो प्रोसीजर के अंदर हमें पहला काम क्या करना होता है आपको पता होगा कि कॉल दी बोर्ड मीटिंग, पहले बोर्ड मीटिंग होगा, ठीक है, फिर बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि बैबैक करना है नहीं करना है, अप टू व्हाट परसेंट, जैसे 10% करना है तो BRC हो जाएगा, अप टू 25% करना है मींस बियॉन्ड 10% बट अप टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, ये जानते होंगे आप, प्लस फ्री रिजर्व, या पेड अप इक्विटी कैपिटल, यहां पर हम इक्विटी प्लस रिजर्व्स क्या करते हैं, कैसे, बाय पासिंग BR। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि काम करना होगा कि बोर्ड मीटिंग कॉल करना है, बोर्ड से अप्रूव करेगा एंड देन वी नीड टू कॉल द जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द फाइल MGT 14। अब जब हम रूल 17 को फोकस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप गड़बड़ कर देते हैं कई बार, जब हम प्रोसीजर बताएंगे और रूल 17 की बात करेंगे तो रूल 17 ये कह रहा है कि पहले बायबैक करने से पहले दो इंपॉर्टेंट काम कीजिएगा। दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं SH8 एंड SH9। SH8 एंड SH9 अभी बताता हूं, ठीक है। मतलब बायबैक करने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट काम करने हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट काम का मतलब ये है कि जो कंपनी, जी हाँ, कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को, क्योंकि कंपनी जो यहां पर बात कर रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनेगा, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अनलिस्टेड है तो ऐसे केस में, सर आप अनलिस्टेड बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी हो सकती है और अनलिस्टेड हो सकती है, प्राइवेट लिस्टेड इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि प्राइवेट के हम क्या डिबेंचर्स भले हम लिस्ट करा सकते हैं, शेयर्स तो ना लिस्ट कराएंगे, पॉसिबल भी नहीं है सर, होने भी नहीं दे सकते, कानून इजाजत नहीं देता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहां पर कि प्राइवेट कंपनी है और अगर अनलिस्टेड कंपनी है, इन दैट केस कंपनी को अपना स्पेशल रेजोल्यूशन बायबैक का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, प्रोसीजर स्टार्ट हो गया बट ऑफर देगा एक्सेप्ट करेगा, उससे पहले कंपनी जो SR पास कर रहा है या फिर BR पास कर रहा है उसे फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार। बात पकड़ माया? और आप क्योंकि बायबैक जब करते हैं तो आप ऑफर देखिए, आप समझेगा, एक ड्राफ्ट करते हैं डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं लेटर ऑफ ऑफर, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं फिर आपको एकदम सब कुछ फॉर्मेट मिल जाएगा। लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर जो है वो आप अपने शेयर होल्डर्स या सिक्योरिटी होल्डर्स को देंगे, उससे पहले आपको उसका एक ड्राफ्ट जो आपने रेडी किया फाइनलाइज कर लिया है उसे आप ROC को फाइल करेंगे, उसे हम SH8 में, जी हाँ, लेटर ऑफर विद द ROC आपको फॉर्म SH8 में फाइल करना होता है। वहीं फॉर्म SH9 जो है वो बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी की, जी हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी, अभी डिटेल में जा रहा हूं, ऑलराइट, अभी से फॉर्म याद करवा दूं। तो आपको क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस फॉर्म SH8 SH9, ये दो फॉर्म पहले करने हैं। अब आप समझिएगा, आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, अब आपको आपकी ड्यूटी बन जाती है कि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप बोर्ड को बताएंगे कि सर हमें दो या तीन डॉक्यूमेंटेशन पहले करनी है। तो पहली डॉक्यूमेंटेशन क्या है, हमको SR फाइल करना होगा, ऑफकोर्स आप लोग जानते होंगे हम MGT 14 लगाते हैं उसके लिए, MGT 14, ठीक है, एंड देन SH8 के अंदर हम बताएंगे लेटर ऑफ ऑफर, एंड SH9 बोल लीजिएगा डिक्लेरेशन सोल्वेंसी। सर डिक्लेरेशन सोल्वेंसी देना जरूरी है, जी हाँ, इवन एफिडेविट पे इसको वेरीफाई भी करना होगा। क्या होता है समझेगा, आप बायबैक कर रहे हैं तो भैया बायबैक के बाद गरीबी वाली हालत मत ले आना, सोल्वेंट होनी चाहिए कंपनी, कि कंपनी के पास इतना पैसा है, इतना फंड है कि उसने पहले से ही सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं कि कंपनी बायबैक करने के बाद भी सोल्वेंट रहेगी, इंसोल्वेंट नहीं होने वाली है। इस बात की डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साइन करके देनी होती है, और ये डॉक्यूमेंट जो हम जहां SH8 ध्यान दीजिएगा SH8 और SH9 जो फाइल कर रहे हैं, इसे जो है कंपनी के कोई दो डायरेक्टर्स साइन करेंगे, उसमें से कोई एक जो है वो MD होना चाहिए, अगर कोई MD अभी कंपनी में है। मैंने पहले भी बताया है MD की अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी नहीं होता है, इज इट क्लियर? सो अब हम थोड़ा प्रोसीजर में जाते हैं, इट इज यू नो व्हाट फार कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू नो टेक द स्क्रीनशॉट और राइट डाउन द एंटायर प्रोसीजर इन योर नोटबुक।
बहुत इजी रहेगा और याद हमें रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड रूल 17। सबसे पहले हमने क्या रखा है यहाँ पे, रूल 17। रूल 17 किसका है, कैपिटल डिबेंचर रूल्स, देखिएगा हाईलाइट कीजिएगा 14। ये क्या कह रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको चाहिए प्लस आपको लेटर ऑफर इन फॉर्म SH8 जो कि डेटेड एंड साइंड बाय टू डायरेक्टर्स, वन ऑफ होम MD इफ एनी। अगर MD है कोई आपकी कंपनी में, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो साइन करेंगे, अगर नहीं है तो कोई दो डायरेक्टर साइन करेंगे। जब दो डायरेक्टर साइन करेंगे ऐसा कहा जाता है, तो उन दो डायरेक्टर्स को बोर्ड मिलकर ऑथोराइज करता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे बोर्ड की ही हो जाती है, सिर्फ दो डायरेक्टर्स की नहीं रह जाती है। बात पकड़ मारा है, ऑलराइट सर। दूसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट हमको पहले सबमिट करने हैं हमारे आगे के प्रोसेस में जाने से पहले, वो है डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी इन फॉर्म SH9। देखिएगा इन फॉर्म SH9 एंड वेरीफाइंग बाय द एफिडेविट। जी हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी को आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना पड़ता है बाय एफिडेविट। जनरली एफिडेविट जो है ये आपके नियर बाय कंपनी की जो भी कोर्ट्स होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो ठीक है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जोन में आती है वहां एफिडेविट प्रिपेयर इजिली कराए जाते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगा। अब ये जो है दोनों काम आपको देखिएगा, या मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखिएगा फाइल विद द ROC बिफोर बायबैक। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब अगर कंपनी सेक्रेटरी बने हुए हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, आप अपने एडवाइस कर रहे हो क्लाइंट को, या आप एक्चुअली बायबैक कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि दो पहले स्टेप लिए गए हो, क्योंकि लेटर ऑन आपको ये बात को भी इंश्योर करना है कि कंपनी ने कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं किए हैं। जी हाँ, ये बात भी डायरेक्टर्स इंश्योर करेंगे। तो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, जी हाँ, मेरी एडवाइस यही है कि आप ध्यान रखें इन चीजों को। ऑलराइट, चलिए, अब जब आपने दो स्टेप ले लिए, कौन कौन सा, SR फाइल कर दिया, SH8 और SH9 फाइल कर दिया। SH8 वापस बता देता हूं, लेटर ऑफ ऑफर के लिए है, एंड SH9 डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी की बात कर रहा है। ये दोनों ने फाइल कर दिया, यहां से 21 डेज के अंदर अंदर, जी हाँ, फाइलिंग कर दिया अनुसार में, अब 21 डेज के अंदर, इससे ज्यादा नहीं, 21 डेज मतलब जिस दिन आपने फाइल कर दिया डॉक्यूमेंट विद द ROC। अब यहां से 21 डेज के अंदर अब आपको लेटर ऑफर डिस्पैच करने हैं अपने सारे शेयर होल्डर्स में और सिक्योरिटी होल्डर्स में। सो पे अटेंशन, अब यहां से देखिएगा हाईलाइट कर रहा है यहां पे, विद इन 21 डेज, पे अटेंशन, विद इन 21 डेज यहां से, ऑलराइट, कब से आपने फाइल कर दिया विद द ROC, द SR एंड SH8 एंड SH9, क्या करना है, डिस्पैच कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, डिस्पैच लेटर ऑफर टू द शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स। Is it clear? And buyback, BB का short form मतलब buyback है, alright? Buyback offer open minimum 15 days and maximum 30 days. और जो minimum 15 और maximum 30 days को ध्यान समझना, कहीं उन्होंने रट्टा मार रखा, बोला minimum 15, minimum 30, minimum, अरे please try to understand, आप लोग professional बनने वाले, ऐसी advisors या ऐसा behavior आपका suit नहीं करेगा corporates में, so रट्टा नहीं मार रहे हैं, सुनिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो requirement दी है minimum 15 and maximum 30, ये कहने का मतलब यहां पे क्या है कि ये ऑफर जो हम दे रहे हैं बाबा का, ये ओपन रहेगा 15 डेज तक, मिनिमम 15 डेज। तो मतलब हमने अपने शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स को कहा है कि कंपनी 15 डेज तक आपका वेट कर रही है, आप चाहें तो अपनी सिक्योरिटीज हमें टेंडर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे केसेस में हमें याद रखना होगा कि जो 15 डेज का मिनिमम पीरियड है, इसी को आप और भी कम कर सकते हैं, बट 30 डेज से ज्यादा नहीं कर सकते। बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो मिनिमम 15 डेज के लिए ऑफर ओपन रहेगा, जिस ड्यूरेशन में कंपनी ऑफर एक्सेप्ट करने की बात करेगा, कहां से, जो उसके सिक्योरिटी से होल्डर्स या शेयर होल्डर्स ऑफर करेंगे उसको, ऑफर को 15 डेज मिनिमम, और इस मिनिमम पीरियड 15 डेज को सारे शेयर होल्डर्स अगर मिलकर कंसेंट देते हैं, जी हाँ, अगर ऑल मेंबर्स की कंसेंट मिलती है, अब ये ऑल मेंबर की कंसेंट का मीनिंग भी समझिएगा। ऑल मेंबर की कंसेंट का मतलब होता है, जब आपने जनरल मीटिंग कॉल किया और उसमें मेंबर रिक्विजिट कॉरम प्रेजेंट है, और वो रिक्विजिट कॉरम के अंदर जितने भी मेंबर्स थे उन सबकी कंसेंट इन फेवर थी कि हाँ, बायबैक आप 15 डेज से कम पीरियड के लिए भी ओपन कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑल मेंबर कंसेंट। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं किया है, जो लोग आए नहीं है उनकी कंसेंट भी नहीं मिली है, ऐसा नहीं है। जो मीटिंग में आते हैं और अगर रिक्वेस्टेड कॉरम पूरी हो रही है और मीटिंग वैलिडली कंडक्ट हो रही है, इन दैट केस उसमें मीटिंग में प्रेजेंट मेंबर, अगर सारे मेंबर्स अपनी कंसेंट दे देते हैं, तब हम उसे बोलेंगे कंसेंट। जी हाँ, तो उस केस में 15 डेज से कम की पीरियड भी हो सकता है, प्रोवाइडेड जो 30 डेज जो मैक्सिमम है उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो जो बायबैक है जो ओपन रहेगा, कितने देर के लिए रहेगा ओपन, मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 30 डेज के लिए। सर ये हमने कब किया, अब डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया, लेटर हमने डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया। डिस्पैच जब हम करते हैं ना, उसमें डेट हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ देखिएगा अनाउंसमेंट भी हम करते हैं सारा,
है ना, पर उसमें मेंशन भी करता है लेटर के अंदर ये ऑफर कब से और कब तक के लिए ओपन है। तो सर ये पहले जो मिनिमम 15 डेज का पीरियड जो है उसे कम करवा करना है हमें, और तो जी हाँ, जब आपने कंपनी की मीटिंग की थी ना, उस मीटिंग में ही जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, वहां पर कंपनी के मीटिंग के एजेंडा में आप ये मैटर लिख सकते थे और आप ये इस पर अप्रूवल ले सकते थे सेपरेट रेजोल्यूशन पास करा के। ऑलराइट, अब देखिएगा, अगर ये मिनिमम पीरियड जो 15 डेज से कम करना है, इट मे बी रिड्यूस विद द अप्रूवल ऑफ द ऑल मेंबर्स। देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर्स, इज इट क्लियर? अब आगे का स्टेप क्या होगा देखते हैं। ये इफ शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द शेयर होल्डर सिक्योरिटी होल्डर आर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज टू बी ब्रॉट बैक एक्सेप्ट इट ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस। जी हाँ, क्या होता है, कंपनी जब बाय बैक कर रहा है तो उसका नंबर फिक्स है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि वो 70 करोड़ का बायबैक कर रहा है, उसमें नंबर ऑफ सिक्योरिटी भी फिक्स है। अब जब वो टेंडर कर रहा है तो जो जो भी मेंबर है, देखिए अगर टेंडर करेगा मेंबर ने अपनी सिक्योरिटीज जितनी भी टेंडर कर रहा है, अगर वो सारे मेंबर्स की सिक्योरिटी उस ऑफर, जी हाँ, बायबैक के जो यहाँ साइज है उसके अंदर कवर हो जाती है, दैट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज हर एक की सिक्योरिटी यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जो मेंबर से कंपनी को ऑफर रिसीव हो रहा है और जो कंपनी का बायबैक का टोटल साइज है, उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो हो सकता है ऑफर बहुत बड़ा हो और हम जितना बायबैक करना चाहते हैं, मतलब कंपनी जितना बायबैक करना चाहती है, वो साइज कम हो। मैं इसका एक लेटेस्ट को एग्जांपल दिखाता हूं जो कि 2023 के अंदर हो रहा है। देखिए ये वो कंपनीज हैं, जी हाँ, आज तो आज का डेट पे भी है कि वो कंपनीज हैं जो बायबैक कर रही हैं। अब यहां अगर हम ध्यान से देखें, एक कंपनी जो कि है वीआरएल लॉजिस्टिक लिमिटेड, वीआरएल लॉजिस्टिक लिमिटेड जो है पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, 1983-1984 के आसपास इनकॉर्पोरेशन है एज अ प्राइवेट कंपनी, लेटर ऑन के कन्वर्ट हो गई पब्लिक कंपनी में। ये कंपनी बेसिकली जो है लॉजिस्टिक मतलब कुरियर सर्विसेज का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन में इसका काम है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कुरियर से रिलेटेड, ठीक है, डिटेल में फिर और कुछ बताऊंगा, अभी हमारा लॉजिक पॉइंट कुछ और है। अब ये जो कर रही बायबैक, इसने टेंडर ऑफर ऑप्ट किया हुआ है। पहले मैंने बताया है कंपनी जो है बायबैक तीन मेथड को अप्लाई कर सकती है, या तो टेंडर ऑफर या फिर ओपन मार्केट परचेस। ओपन मार्केट परचेस का मतलब कंपनी अनाउंसमेंट करती है और ओपन मार्केट से अपने ही शेयर्स परचेस कर लेती है, या अपने मेंबर को कहती है भैया हमको ऑफर करो अपने शेयर्स, जहां टेंडर कहते हैं, टेंडर करो अपने शेयर्स हम खरीद लेंगे, या फिर कंपनी जो एम्प्लॉयज को शेयर्स दिया हुआ है उससे बायबैक कर लेती है। तो जनरली मैंने पहले भी कहा था, जैसे आपका बुक में तो लिखा हुआ है कि जो है बायबैक जो है वो ओपन मार्केट से ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल डेटा बता रहा हूं, ज्यादातर टेंडर ऑफर से ही कंपनी प्रेफर करती है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस कंपनी ने यहां पे बायबैक करना है थ्रू टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर में इन्होंने बायबैक का प्राइस रखा हुआ, देखिएगा 700, जो कि कंपनी कह रही है 700 पे, ध्यान से देखिएगा, और करंट प्राइस जो अभी मार्केट चल रहा है 510 है। इश्यूज यहां पर जो रेफर किया हुआ है इंश्योरेंस 0.09% है। इश्यू साइज जो है बायबैक का 61.25 करोड़ से, 61.25 करोड़ का मतलब यहां पर ये कह रहे हैं कि ये हमारा साइज है। साइज का मतलब हो गया कितना, 61.25 करोड़ तक का बायबैक करेगी कंपनी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि कंपनी को अगर 70 करोड़ का अगर मैटर मान लीजिए रिसीव हो गया ऑफर, टेंडर कर रहे हैं ना लोग शेयर होल्डर्स, ये हमको 70 करोड़ का आ गया, अब क्या किया जाएगा, ऐसे केसेस में प्रोपोर्शनल बेसिस किए जाएंगे। सॉरी, ये बात सीधी सी आप बता ही देते, सीधा सीधा बताता तो रट्टा मार लेते, और ये जो एक्चुअल डेटाज है, कल को तुम अपने फील्ड में जाके काम करोगे कौन समझाएगा तुमको, तो वहां बेसिक कोई नहीं सिखाएगा, बेसिक तुम्हें सिखाने की बजाय तुम्हारी बेइज्जती कर दी जाएगी 10 लोगों के बीच में। इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान से बेसिक्स पे ध्यान दिया करो, और अगर लगता है सर बेइज्जती खा लेंगे तो भी देख लो या फिर अभी सीख लो। और हाँ, मुझसे तुम बिल्कुल बेसिक से बेसिक जो तुमने पूछ रहे हैं वो पूछो। तुम्हें अगर सर ये भी पूछ रहे सर कंपनी का मीनिंग क्या होता है, मैं वो भी बताऊंगा, और चिंता मत करो बेइज्जती नहीं करूंगा। अगर मैं बेइज्जती करता हूं तो बेटा आई एक्सेप्ट, मैं सबसे बड़ा मूर्ख, क्योंकि आप सीखने हैं और मुझे सिखाना है आपको। ऑलराइट, सो मेरे तरफ से तो बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा कि सर आप कुछ कहेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, मैं कई बार ऑब्जर्व करता हूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ना पूछकर NRK9 के व्हाट्सएप पे पूछते हैं क्वेश्चन। आई अंडरस्टैंड जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं, आप कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, क्योंकि कई लोग एक दूसरे को जानने लग गए हैं, कह रहे ऐसा सली क्वेश्चन पूछ रहा है, या कमेंट पहले भी मैंने देखा है कि किसी ने किसी कमेंट पे कमेंट कर दिया है। आप फिर बिल्कुल, पहली बात तो फिक्र मत रखिएगा कि कौन क्या कहता है, लेकिन फिर भी लगता है
तो आपको कंफर्ट नहीं फील होता है, आप ना के नाइन के व्हाट्सएप पर मुझे क्वेरी भेज सकते हैं, मैं आंसर करूंगा। ऑलराइट, चलिए हमने ये काम कर लिया है, अब हम चलते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या करा है सर, हमने रूल 17 के अंदर एसआर पास किया, पहले हमने एसआर पास कर लिया है और एसएच 8 एसएच 9 हमने फाइल कर दिया है। एसएच 8 जो बात करता है किसी का लेटर ऑफ और एसएच 9 करता है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ठीक है। फिर हमने विद इन 21 डेज, जो कि हमने हाउस फाइल किया उसके 21 डेज के अंदर डिस्पैच कर लेटर ऑफ और सारे अपने शेयरहोल्डर्स को और सिक्योरिटी होल्डर्स को। अब आप ऊपर रखेंगे ऑफर को 15 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 30 डेज, 15 डेज को हम और कम कर सकते हैं अगर मेंबर सारे मेंबर कंसर्न दे दें। ऑलराइट, प्रोपोर्शनल बेसिस पे करेंगे अगर ऐसा होता है एक्सेसिव अगर रिसीव होता है ऑफर तो। अब कंपनी वेरीफाई द ऑफर विद इन विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ बायबैक, क्या होता है समझिएगा। अब जब ये ऑफर हम रिसीव कर रहे हैं हमारे शेयर होल्डर से, कंपनी से एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करने से पहले क्या होता है, वेरीफाई करना होता है कि क्या जो हमारे बायबैक के ऑफर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट भी कर रहे हैं, उससे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि ये लोग ये सिक्योरिटी होल्डर या शेयर होल्डर एलिजिबल है भी नहीं है बायबैक के लिए। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट टेस्ट चेक किया जाता है, केवाईसी टेस्ट चेक की जाती है, ठीक है। एक ये भी लेंथी प्रोसेस है, लॉ कहता है इसके लिए 15 डेज आपके पास कंपनी, आप 15 डेज में जो आपको ऑफर आपने एक्सेप्ट किए हैं या आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जी हाँ, अपने शेयर होल्डर्स के सिक्योरिटी होल्डर्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिए विद इन 15 डेज। बात पकड़ में आ रहा है, विद इन 15 डेज, 15 डेज कब से, जब ये ऑफर क्लोज हो गया, ऑफर क्लोज हो गया और 15 डेज के अंदर वेरीफाई कीजिएगा। और वही क्लोज होने से ही 21 डेज के अंदर, जी हाँ 21 डेज के अंदर, ध्यान रखिएगा 21 डेज के अंदर आपको बताना होगा कंपनी को, कंपनी कम्युनिकेट करना होगा या तो ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया है या आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया है। किसी टेक्निकल ग्राउंड की वजह से अगर रिजेक्ट किया गया है तो आपको याद रखिएगा बताना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, इफ रिजेक्टेड इज एंड इफ रिजेक्शन इज नॉट कम्युनिकेटेड विद इन 21 डेज इट शैल बी डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब ये इंटरेस्टिंग है, अगर 21 डेज के अंदर, क्योंकि जो आपका ऑफर ओपन था 30 डेज का मैक्सिमम था पीरियड, और कम भी हो सकता है जैसे मैंने पहले बताया आपको, अब उस जो कि क्लोज होने के बाद में, ऑफर क्लोज होने के बाद में आपको 15 डेज में डॉक्यूमेंट्स सारे वेरीफाई करने होंगे, और उसके अलावा 21 डेज जो बताया जा रहा है वो भी क्लोज से ही 21 डेज, दोनों एक ही टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लोज हो गया ऑफर वहीं से 21 डेज भी काउंट करना है आपको, या तो एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। 21 डेज के अंदर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आना, इट मीन्स दैट इसे डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। बात पकड़ना, एक क्वेश्चन था मेरे क्लाइंट का कि सर अगर 21 डेज के बाद कंपनी इंटीमेट करती है तो मेरे पास क्या रेमेडी है, कि 21 डेज पर बता दिए कि आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया है। पहला इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपके पास जो रेमेडी है वैसे तो NCLT ही है कि आप वहां जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक इंडिविजुअल राइट था शेयर एज अ शेयर होल्डर, इंडिविजुअल राइट था कि अगर औरों के शेयर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और आफ्टर द एक्सपायरी विन ईयर पीरियड है ना, और आपके नहीं किए गए हैं या आपको इंटीमेट नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में आपको NCLT आप अप्रोच कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रहा है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि वो इंडिविजुअल शेयर राइट्स वैलिड हुए हैं। इसके केस लॉस के ऊपर भी हम लोग हमारी केस वाली बुक में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये सडनली मैंने आपको बता दिया बीच में। नाउ अब ये काम हो गया, अब यहां से 7 डेज के अंदर, विद इन 7 डेज अब आपको पेमेंट भी कर देनी है, पेमेंट इन कैश की जाएगी, इसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। और अगर आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपके शेयर सर्टिफिकेट्स या सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स जो भी कंपनी रिसीव किए थे वो कंपनी आपको विद इन 7 डेज के अंदर आपको वापस करेगी। देखिए विद इन 7 डेज क्लियर हो गया, पेमेंट इन कैश और इन इफ ऑफर इज एक्सेप्टेड देन ओपन द सेपरेट बैंक अकाउंट, और अगर नहीं है आपको रिजेक्ट कर देगा तो रिटर्न द शेयर सर्टिफिकेट्स और सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इफ ऑफर इज रिजेक्टेड। आई होप ये बात याद रहेगा। अच्छा लास्ट जो हमने एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें, क्योंकि हमें याद रखना है यहाँ पर क्या, कि जो हम यहाँ बायबैक कर रहे हैं इसका टाइम ड्यूरेशन है, ऐसा नहीं बायबैक चलता ही चला जाएगा, मतलब अरे भाई ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है विद इन 1 ईयर। 1 ईयर जो हम काउंट करेंगे वो हम काउंट करेंगे कहां से, जहां से हमने एसआर या पीएफ बोर्ड रिवीजन पास किया था, समझिएगा कहने का मतलब क्या है। बायबैक का जो प्रोसीजर कंप्लीट करने का मीनिंग यहां पर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। बायबैक के लिए स्पेशल रिवीजन पास किया आपने, बोला स्पेशल रिवीजन पास करने के बाद में वहां जिस डेट से पास हुआ है और बायबैक से रिलेटेड सारी एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जी हाँ रिटर्न भी जाएगा बताएंगे अभी, रिटर्न ऑफ बायबैक और आपको सर्टिफिकेट्स जो हैं शेयर्स जो हैं उन्हें आपको याद रखिएगा डिस्ट्रॉय करना होगा। सारा प्रोसीजर ये सब कुछ आपको 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करना है फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग एसआर।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है सर, मतलब एसआर जो है वो एसआर एक साल के लिए वैलिड है। अब ध्यान सुनना, जब कह रहे हैं एसआर वन ईयर के लिए वैलिड, इट मींस दैट कि वो बायबैक कंप्लीट करने का आपको टाइम पर दे रहा है कि एसआर जो आपका एक साल के लिए वैलिड रहेगा। इसलिए हमें याद रखना है जो हम बायबैक कंप्लीट करेंगे वो विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर हमें हो जाना चाहिए, डिपेंड कि अगर वो एसआर पास करके हो रहा है या फिर बोर्ड एशन की पावर से हो रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। अप टू 10% कर रहे हैं ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स, तो हम इस केस में बीआर लगाएंगे, और मोर देन 10% बट अप टू 25% है तो स्पेशल रिजर्वेशन। इतना सारा सर बात बता दिया आपने। अब देखो मेरा बच्चा, आप लोग यहां से चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके बेनिफिट के लिए है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ऑलराइट, एंड नहीं लिया है तो वीडियो पॉज करके बैक करके भी ले लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन हो जाए। अब मैं कुछ अलग इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने यहां कवर नहीं करी है आपके मॉड्यूल से देख रहे हैं। आइए, अदर कंडीशन जिसमें रूल 17 सब रूल 10 बड़ी इंपॉर्टेंट दो बात तीन बातें और बताता है कि बायबैक तो आप लेकर आ गए हो, पीछे 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 और सिक्योरिटी भी लेकर आ रहे हो, इश्यू कर रहे हो। बोला ये गड़बड़ नहीं करने देंगे, आप मार्केट मैनिपुलेट मत कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। कहता है द रूल्स प्रोवाइड दैट द कंपनी शैल इंश्योर, ये मैं बता दूं इंपॉर्टेंट है, केस लॉस के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो नोट कर लीजिएगा। कहता है कंपनी शैल नॉट इशू एनी न्यू शेयर्स इंक्लूडिंग, ये वर्ड बड़ा खतरनाक एग्जामिनर यहां फंसा देता है आपको, बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स। ध्यान से रखिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड को छोड़ मत दीजिएगा। आप नया कोई शेयर कभी भी नहीं लाऊंगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं लाएगी कंपनी। नया शेयर प्लस बोनस शेयर दोनों के लिए मना किया गया है, और कब तक कह रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑथराइज द बायबैक टिल द डेट ऑफ क्लोज ऑफ द बायबैक अंडर दीज रूल्स एक्सेप्ट दोज अराइजिंग आउट ऑफ द आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान सुनेगा, जिस दिन आपने एसआर पास किया है और ये आपका एसआर कंप्लीट हो रहा है, मतलब एसआर पास हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, एसआर पास किया और बायबैक कंप्लीशन का काम कंप्लीट कर लिया, तो एसआर पास करने से लेके और आपका बायबैक पूरा कंप्लीट होने तक इस ड्यूरेशन में आप किसी भी तरीके की कोई नई यहां पे देखिएगा नया शेयर और या बोनस शेयर नहीं लाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं समझेगा, इससे मार्केट में ना क्या होता है, देखो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब बायबैक करती कंपनी तो जनरली क्या होता है शेयर्स के प्राइस गिरते हैं एक बार, अब समझना ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे केसेस में आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप कई बार तो बायबैक इसलिए भी करते हो, उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी समझना, जब आपके पास आपके पास एक्सेसिव कैश है, अब वो कैश आप डिविडेंड देने के बजाय आप अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना चाहते हैं कि आप उसमें उन्हें एक तरीके से रिटर्न दें कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अब जब यहां पर क्या होता है मार्केट में जब बायबैक की न्यूज आती है ना, लोग उससे हलचल में आ जाते हैं और बाइक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मार्केट में शेयर्स के अंदर वोलेटिलिटी आना स्टार्ट होती है, फिर कंपनी अपना बायबैक करके अपना शेयर वापस खींचती है, बात पकड़ में आ रहा है, नंबर शेयर्स में फिर इंपैक्ट आता है। ऐसे केसेस में क्या होता है मार्केट में अंदर फिर आपने नया शेयर लिया है तो कंपनी जो लोग जो कि एक्साइटेड हैं क्योंकि शेयर के फ्लक्चुएशन को लेके समझेगा, वो लोग फिर खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर समझना है बहुत सिंपल से वर्ड में अगर समझाऊं मैं आपको, डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल है, ठीक है। प्योरली यहाँ पे मैं भी हमारे और क्लासेस में बताऊंगा लेकिन समझना इसको भी। डिमांड सप्लाई का मतलब है कि किसी चीज की डिमांड बढ़ी है, बायबैक किया कंपनी ने तो सडनली क्या हो रहा है कंपनी शेयर खींच रहा है मार्केट से अपना। अब जहां से खींचेगा तो कंपनी उसके अच्छे से अच्छा प्राइस देती है, और बायबैक में होता क्या है अच्छे से अच्छा प्राइस मिलता है, ऐसे में नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कम हो रही हैं तो डिमांड हाई होगा, समझना किस चीज को हम ज्यादा खींच रहे हैं, डिमांड हाई हो रहा है। ऐसे केसेस में ही अगर देखा जाए कंपनी अगर फिर एक और शेयर इधर बायबैक कर रहा है और बीच में शेयर्स भी दे रहा है क्योंकि उसकी डिमांड शेयर्स में बढ़ी हुई है मार्केट में, ऐसे में क्या होगा मार्केट मैनिपुलेट होगा, बात पकड़ना ये बात, मार्केट मैनिपुलेट होगा। लॉ कहता है रूल 17 कह रहा है सब रूल 10 कि आप अपना एसआर पास करने से लेके और बायबैक कंप्लीशन तक कोई नया शेयर इवन आप कोई बोनस शेयर भी नहीं लेकर आएंगे, इशू नहीं करेंगे। इसके अलावा आगे दो और इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आपने इश्यू किए हुए थे और वो कन्वर्टेबल डिबेंचर की डेट आ गई है कन्वर्जन की ड्यूरिंग द बायबैक प्रोसीजर, ठीक है ड्यूरिंग द बायबैक, तो ऐसे केसेस में सर क्या उसको भी छोड़ देंगे, नहीं वो आपकी ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड कहता है कंपनी शैल नॉट विदड्रॉ द ऑफर वंस इट इज अनाउंस द ऑफर ऑफ शेयर, ऑफकोर्स आपने अगर एक बार अनाउंसमेंट कर दिया कंपनी अब आप विड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि पता है तुमको बहुत खतरनाक ट्रिक बताएगी है आपका। जैसे अनाउंसमेंट आया, जैसे इन कंपनीज का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इनके अनाउंसमेंट्स हैं कि ये करने वाली हैं, चलिए एक तो आज हम आज देखें 10 फरवरी को, एक 6 जनवरी को हमारा पीवीएस गया, ठीक है।
अब ये कंपनीज ने अनाउंसमेंट कर दिया, अब क्या होगा, जो लोग सोच रहे हैं कि बायबैक हो तो अच्छा प्राइस मिल जाएगा, वो क्या कर देंगे, मार्केट के इनके शेयर्स में वॉलेटिलिटी आ जाएगी, मूवमेंट्स बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है, और वो अच्छी मोमेंटम जो होगी यहाँ पे शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, ऑफकोर्स इंक्रीज होता है, तुम स्टडी कर लेना उठा के डेटा, 90% केसेस में होता है, ठीक है। अब क्या होगा ऐसे केसेस के अंदर, प्राइसेस तो अपने हाई कर लिए, बोला नहीं नहीं कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग बायबैक नहीं करना चाहते, बोला बदतमीज ये क्या तरीका है। हाँ मैं ऐसे कंपनीज बहुत सारा प्रॉफिट बनाती हैं, वो अलग गड़बड़ वाली कहानियां हैं, वो अलग कभी बता दूंगा, बात पकड़ में आ रहा है, तो वो अलाउड आपको नहीं है। तो दो पॉइंट पर बात, पहली आप नया शेयर नहीं लेकर आएंगे ना बोनेशियर लाएंगे, आपके कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के ऑब्लिगेशन है, अगर कन्वर्ट करना है शेयर्स में वो ऑब्लिगेशन आपका बना रहेगा। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने अगर एक बार अनाउंस करे तो उसे विड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है ये तो। लेकिन सर इससे मार्केट मैनिपुलेशन आप कह रहे हैं, सर अनलिस्टेड कंपनी के अंदर मार्केट मैनिपुलेशन कैसे होंगी जी, लिसन वेरी केयरफुली, वी आर कंसर्न विद द मेंबर्स, वी आर कंसर्न फॉर द मेंबर्स, समझना। अगर कोई भी कंपनी, ध्यान से समझेगा, जिन कंपनीज के अंदर अगर आप अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो हम कंसर्न है मेंबर्स के साथ में, और हम उन लोगों के साथ में भी कंसर्न है, जैसे आप देखेंगे कई सारी कंपनीज फिर कंपनी क्रिएट कर लेती हैं और कंपनी क्रिएट करके उनमें पैसा इन्वेस्ट करती हैं, फिर उन्हीं के बायबैक कर रही हैं और विदड्रॉ कर रही हैं, तो ये यहाँ पर मैनिपुलेशन होती है, मार्केट मैनिपुलेशन। ये सेम याद रखिएगा अप्लाई, हम लोग जब से भी लिस्टिंग कंपनी के लिए पढ़ते हैं वहां पर भी सेम रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। Company shall not utilize any money borrowed from the banks, financial institutions for the purpose of the buyback issues. The company shall not utilize the proceeds of an earlier issue of same kind. हम लोग जानते हैं कि buyback करने के लिए उधार मांगना पड़ रहा है, अरे वो हेलो वो नहीं अलाउड है, समझो। आप बैंक से फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रहे हैं फिर बायबैक कर रहे हैं, या सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू करते हो फिर उसका प्रोसीड आता फिर उसे बायबैक करते हो, बोला ये तुम खेल क्या रहे हो, वो अलाउड नहीं है। आप मार्केट मेकिंग का काम मत कीजिएगा, वो मार्केट मेकर को गर्न दीजिएगा, आप खरीद बेच का काम नहीं करेंगे, आप ट्रेडिंग कंपनी मत दीजिएगा, स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी मत दीजिएगा, ऑलराइट चलेगा। तो तीन इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा कि ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ऑलराइट। अच्छा इसके अलावा हम देखते हैं टाइम लिमिट की बात की जाए, टाइम लिमिट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, वन ईयर आपके पास है, वन ईयर का मतलब है फ्रॉम द पासिंग ऑफ द एसआर आपके पास वन ईयर का टाइम होगा। मेथड ऑफ बायबैक जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको कि याद रखिएगा सेक्शन 68(5) कहता है, ध्यान सुनेगा, टेंडर ऑफर करके कर सकते हैं, टेंडर का मतलब आप अपने लेटर ऑफ यूनिट रेडी कीजिएगा, लेटर ऑफ ऑफर SH8 के अंदर जो फाइल करते हैं अपने शेयरहोल्डर्स को भेजेगा, वो अपने शेयर्स आपको टेंडर करेंगे। दूसरा ओपन मार्केट से परचेस कर सकते हैं, कंपनी सीधा चाहे तो बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू ओपन मार्केट से परचेस कर सकती है। एंड जब ओपन मार्केट से परचेस करने की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये स्पेसिफिकली कब बात करेगा, जब वो कंपनी लिस्टेड होगी तभी ओपन मार्केट परचेस का मतलब होगा, ठीक है, क्योंकि ओपन मार्केट परचेस का मतलब ही क्या है, सर आप तो पढ़ा रहे हो कि प्रोसीजर फॉर प्राइवेट लिमिट और अनलिस्टेड कंपनी, अब मैं आपको बताऊं मॉड्यूल भी मजेदार है, उसने यहाँ मेंशन किया हुआ रूल आप पढ़ेंगे तब भी है, तो ये कॉमनली ऐसे रूल्स हैं जो दोनों पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है। एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटी इशू टू एम्प्लॉयज, हाँ जी अगर एम्प्लॉयज को इशू किया हुआ पहले तो उससे भी आप अपने एम्प्लॉय से भी आप कर सकते हैं बायबैक। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि बायबैक कर लिया, अब आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं या सिक्योरिटीज जो यहाँ पर आपने बायबैक की हैं, याद रखिएगा उनको आपको याद रखिएगा डिस्ट्रॉय कर देना विद इन 7 days। जी हाँ ध्यान सुन देखिए, व्हेन अ कंपनी बायबैक्स इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज इट शैल एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज सो बॉट बैक विद इन 7 days ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक, विद इन 7 days ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बायबैक। जी हाँ बायबैक कंप्लीशन हो गया उसके 7 days के अंदर अंदर आपको डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि उसके बाद आपको रिटर्न वगैरह भी रेडी करना है, आपको बताना है रिटर्न के अंदर सारी बातें। प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ऑफकोर्स सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए आपने पढ़ा होगा जो बात करता है राइट इशू ऑफ शेयर्स, राइट इशू ऑफ शेयर्स अलाउड ही नहीं है, बात पकड़ेगा अलाउड नहीं है। देखिए व्हेन अ कंपनी कंप्लीट्स अ बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेशल सिक्योरिटी शैल नॉट मेक अ फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स अंडर सेक्शन 6। ऑफ कोर्स आपने बोला सर हम तो राइट इशू कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को दे रहे हैं उनका भला कर रहे हैं, बोला बाहर में जाओ ऐसा भला अलाउड नहीं है, तुम मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हो रे, बात पकड़ना मेरी, क्लियर हो रहा है चीज, जिन्होंने थोड़ी बहुत सिक्योरिटीज लॉ अच्छे से समझे ना ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट, अगर ध्यान से देखें हम लोग अगर सिक्योरिटीज लॉ के अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें खासतौर से ट्रेडिंग पार्ट्स को, तो ये बात पकड़ में आ रहा होगा कि इधर शेयर्स खरीद लिया कंपनी ने बायबैक कर लिया, उधर वापस से राइट इशू डाल दिया, राइट इशू डाल के वापस से लोग खरीद रहे हैं,
खरीदने, मतलब ऑफकोर्स खरीदेंगे ही लेस प्राइसेस पर, तो ऐसा नहीं करना है। अदर स्पेशल सिक्योरिटी विद इन पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स ऑफ द एक्सेप्ट बाय वे ऑफ बोनस इशू और इन द डिस्चार्ज ऑफ द सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन और कन्वर्जन ऑफ वारंट्स एंड स्टॉक ऑप्शन। जी हाँ, अगर मैंने जैसे पहले ही बताया था, अगर आपके जो एग्जिस्टिंग आपके ऑब्लिगेशन है वो तो आप रखेंगे एज इट इज, ठीक है, बट सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज आप 6 महीने तक वापस राइट नहीं लेके आने वाले हैं। बात पकड़ना क्या कह रहा हूँ, सेम काइंड ऑफ, अभी 6 महीना पहले ही तो बाय बाय किया है, और 6 महीने के अंदर अंदर आपने क्या कर दिया, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज आप फिर लेकर आ गए, नहीं 6 महीने शांत रहो, बोनस अगर है ले आओ, कोई अदर ऑब्लिगेशन है ले आओ, कोई इशू नहीं है। अब आपका माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर यहां तो आपने मना किया था बोनस नहीं ला सकते हैं, या देखिए ध्यान रखिएगा यहां पर एक बात कह रहे हैं, यहां हमने बोला था क्लोजर तक, ध्यान सुनना, बायबैक के लिए एसआर पास किया और पास होने के बाद में बायबैक कंप्लीशन तक कोई बोनस शेयर भी नहीं आएगा। फिर दूसरा मैंने अब क्या कहा आपको कि बायबैक कर लिया और 6 महीने कंप्लीट भी हो गया, बायबैक किया कंप्लीट हो गया, 6 मंथ्स के लिए शांत हो जाओ, आप राइट इशू भी नहीं ला सकते हो और या सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज भी आप इशू नहीं करेंगे, बात पकड़ में आ रहा है। लेकिन बायबैक कंप्लीशन के बाद, बायबैक करने कंप्लीशन के बाद बोनस ला सकते हो, बायबैक कंप्लीशन से पहले और बायबैक के लिए एसआर पास होने से, बायबैक के लिए एसआर पास होने से और बायबैक कंप्लीशन तक के बीच में आप बोनस शेयर भी नहीं लेकर आएंगे, कंप्लीट हो गया बोनस लेकर आ जाओ, राइट इशू नहीं लाने देंगे। ऑलराइट, ये समझा रहे हैं यहां पर रजिस्टर। जी हाँ, अब आपको जी बायबैक आपने जो किया है इसकी आपको एंट्री रेडी करनी होगी, आपको एक अपना रजिस्टर मेंटेन करना होगा, और जो रजिस्टर यहाँ पे देखिएगा उसका फॉर्म SH-10 है, हमने फॉर्म SH-10 ऐड करना है, फिर हमारी रिटर्न जाएगी जिसमें जाएगी रिटर्न SH-11 में, तो हमें 8, 9, 10, 11 फॉर्म याद करने से, रिटर्न ऑफ योर रजिस्टर ऑफ बायबैक, जी हाँ, वेयर कंपनी बायबैक शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज, इट शैल रिमेंटेन रजिस्टर ऑफ शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज सो बॉट कंसिडरेशन पेड फॉर शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज बॉट बैक, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज, डेट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एंड फिजिकली डिस्ट्रॉइंग द शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज पर्टिकुलर्स एज़ मे प्रिस्क्राइब्ड। फॉर्म कौन सा है जी, SH-10 देखिएगा, SH-10 एट द रजिस्टर्ड ऑफिस कमेंट इन कर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी कैप इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ, दिस शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। तो हमें 3-4 बस यहाँ पे 2-3 बातें याद रखनी है, कौन सा फॉर्म रेडी करेंगे, SH-10 के अंदर हम रेडी करेंगे इसको, ठीक है, SH-10 में याद रखिएगा, SH-10 की बात कर रहे हैं, रेडी किया जाएगा, कहाँ रख मेंटेन कर रहा है, रजिस्टर ऑफिस पे, इसकी ड्यूटी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी की है, जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया हो, क्लियर, इसमें एंट्री जब भी डलेगा उसको ऑथेंटिकेट करना होगा, इसलिए कहते हैं जॉब कोई छोटा मोटा नहीं है आप लोगों का, और मैं जब बोलता हूँ कि मेंटेन करने का तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के इमेजिनेशन माइंड में आती रहती है, तो ऐसा नहीं कि चौके जाके कंपनी सेक्रेटरी गेट के बाहर बैठा हुआ है, इट्स ए यू नो व्हाट ही इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, सो यू नो व्हाट सिंसियरली आप चीजें समझें। रिटर्न ऑफ बायबैक, जी हाँ, हम जाएंगे रिटर्न ऑफ बायबैक हमारा SH-11 के अंदर, जो विद इन 30 डेज में आपको फाइल कर देना है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आप साथ साथ सेबी को भी इंटीमेट करेंगे। एंड यहां से देखिए सेकंड पैराग्राफ में आइएगा, कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी रजिस्ट्रार एंड सेबी रिटर्न ऑफ इन फॉर्म SH-11 अलॉन्ग विद द फी, दे शैल बी एनेक्स्ड टू द रिटर्न ऑफ कंप्लाइड फाइल विद द रजिस्ट्रार इन SH-11 सर्टिफिकेट इन फॉर्म 15। सेक्शन जो यहाँ पे SH-15 है वो इस बात के लिए है जिसको दो डायरेक्टर साइन करके देते हैं कि कंपनी ने बायबैक का प्रोसीजर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्लस कंपनी के कंपनीज रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो किया है, इस बात को इंश्योर करते हैं। यही कंपनी सेक्रेटरी की बहुत बड़ी ड्यूटी आती है कि वो इंश्योर करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हाँ हमने प्रोसीजर फॉलो किया है। By two directors of the company, including managing director, if any, buyback of security has been in the made in compliance with the provision of the act and rules. All right. और अगर नहीं किया तो कोई नहीं, थोड़ी सी पेनल्टी लगा देंगे, थोड़ी सी लगा देंगे पेनल्टी, देखो। If any company makes a default in complying with the provision of this section, a regulation made under the Securities Exchange Board of India case of listed companies, company shall be punishable with fine which shall not be less than company का fine देखो यहाँ पर company fine shall not be less than 1 lakh rupees which may extend to 3 lakh rupees और officer of course officer in default जो है company के उनका fine है 1 lakh and next maximum कितना है 3 lakh, note कर लीजिएगा exam के लिए question आया था, RCET में बड़ी helpful करेंगे सर exam सारे आएंगे जम के help में। अब आपका अब जैसे ही यहाँ पे बायबैक होता है आप लोग जानते होंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा, इसके लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो रहा है और होगा ही, हो क्या रहा है होगा ही, तो ऐसे में हम क्या करेंगे उतना ही अमाउंट कंपनी याद रखेगा फेस वैल्यू को इक्वलेंट जो होता है अमाउंट फेस वैल्यू के इक्वलेंट उतना अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, वो मैंडेटरी है, ये मैंने पहले भी कई बार आपको बोला है। अब ये कोई ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यार, छोड़ना मत,
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे छोटे छोटे। सर्कमस्टेंसेस प्रोहिबिटिंग द बायबैक, बोला कब बायबैक नहीं करने देंगे, बोला नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज ओन शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू सब्सिडियरी कंपनीज इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडियरी कंपनीज थ्रू सब्सिडियरी कंपनीज, मतलब कंपनी ए लिमिटेड की सब्सिडियरी बी है और बी की सब्सिडियरी है सी, तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए सी किसी सब्सिडियरी हुई ए की, अब वो क्या कर रहा है सब्सिडियरी जो बी की मतलब सी जो है, चल जा बे देखो अब देखो समझाते हैं, चल नहीं रहा था इसलिए मैं ये यूज नहीं कर पा रहा था बट अभी चल गया फिर बंद हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी अभी अभी आना होता है। एनीवेज ध्यान सुनिएगा, आप अपनी सब्सिडियरी खुद की सब्सिडियरी या आपकी सब्सिडियरी से भी अपने शेयर परचेस नहीं करवा सकते बायबैक, अलाउड ही नहीं है, पाप लगेगा। दूसरा कहता है थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जी हाँ आपकी या तो आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू यहाँ देखिएगा बायबैक क्या कर रहे हैं आप खुद के शेयर्स या तो अपनी सब्सिडियरी से या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से कर रहे हैं, या फिर याद रखिएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका अगर शेयर होल्डर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वो अपने आपको 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 शेयर्स अपने टेंडर नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी अपने ही शेयर्स परचेस करवाना चाहती है और कैसे कर रही है थ्रू तो सब्सिडरीज कर रही है नहीं अलाउड है, या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी थ्रू कर रही है या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी थ्रू कर रही है अलाउड नहीं है। एंड थर्ड और एक इंपॉर्टेंट बात है, इफ डिफॉल्ट इज मेड बाय कंपनी इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सटेंडेड बिफोर और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, इंटरेस्ट पेमेंट दे ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स प्रेफरेंशियल्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट पेबल दे ऑन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे केसेस में भी आपको अलाउड नहीं है, आपने डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया हुआ है उसके इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया हुआ है डिबेंचर का रिडम्पशन में डिफॉल्ट किया हुआ है प्रेफरेंस में किया हुआ है शेयर्स इवन शेयर्स को आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है उसके पेमेंट में डिफॉल्ट किया हुआ है, कोई इंटरेस्ट का अमाउंट है जो आपने डिफॉल्ट किया हुआ है जो अपने या लोन का अमाउंट है वो आपने पे ऑफ नहीं किया है किसी बैंक इंस्टीट्यूशन का अलाउड नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना कंपनी सोल्वेंसी का डिक्लेरेशन देती है और आप डिफॉल्ट देने बैठे हो नहीं अलाउड है। तीन केसेस, पहला सब्सिडियरी के थ्रू बायबैक नहीं करने देंगे या किसी खुद की सब्सिडियरी के थ्रू भी नहीं करने देंगे, इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू नहीं करने देंगे, आपका डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट है, आपका रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स में है उनके पेमेंट इंटरेस्ट में है, आपका प्रेफरेंस में है शेयर्स डिविडेंड के ऊपर डिफॉल्ट किया हुआ है, इंटरेस्ट है या लोन का अमाउंट है उसके अंदर आपने पे ऑफ नहीं किया हुआ है, तब भी अलाउड नहीं है। और इसके अलावा भी और इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिर क्या दूं, however the buyback is not prohibited the default is remedied within a period of 3 months and a period of 3 years elapses other default ceases to be subsist, bola theek hai bola ye jo third one wala tha apne default fold kiya tha deposits mein kiya tha share dividend mein kiya tha loan mein kar deta koi baat nahi abhi tumne sabko theek thak kar diya sabko pay kar diya iska 3 saal at least theek hai ye 3 saal baad aapka sath kar sakte hain यहाँ पे ध्यान रखिए डिफॉल्ट इज रेमिटेड एंड अ पीरियड ऑफ 3 हैज एलैप्स्ड, कुछ महाज्ञानी जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि डिफॉल्ट आज पेमेंट तुमने लोन का कर दिया है अब तो अब तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वो महाज्ञानी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर लैप्स का मतलब है रेमिडेड होने के 3 साल बाद, आप रेमिडेड का मतलब आपने डिफॉल्ट से फ्री हो गए, लोन ले रखा था बैंक से, बैंक को पेमेंट कर दिया है, 3 साल हो चुका है, अब आप सुधर गए हो ठीक है उसके बाद कर सकते हो। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट बात है, आप पता लगा आपने एनुअल रिटर्न में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में या फाइनल यू नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी अगर घोटाले किए हुए हैं तब भी आपको अलाउड नहीं है। देखिए नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज ओन शेयर्स ऑफ अदर सिक्योरिटीज इन कैश और ऑफ कोर्स इन सच कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न की बात करेगा, आई होप अभी डिस्कस किया लेटेस्ट मैंने सिक्योरिटी लॉ के अंदर, एंड 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स एंड 127 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड एंड सेक्शन में हम बात करते हैं 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन सी हैं, एनुअल रिटर्न के अंदर डिफॉल्ट किया हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के अंदर अगर आपने फॉल्ट किया हुआ है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने डिफॉल्ट किया हुआ है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर डिफॉल्ट किया हुआ है फाइलिंग में, इन दैट केस तब भी आपको अलाउड नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ मत देना, ध्यान सुनना, क्वेरी रहता है तो पूछना। ऑलराइट ऑलराइट, एंड ध्यान से एक बात सुनिएगा, रेगुलर टेस्ट अटेंड करते रहो, उसे मिस मत करो, कोई नहीं आएगा एग्जाम देने, आप ही को जाना है। ऑलराइट, सो प्लीज समझो और किसी चीज के भरोसे मत बैठो, ये तुमको जो रैंकर तुमको यूट्यूब पे दिखा दे ना कि मैंने कभी टेस्ट नहीं दिया, ये तुमको झूठ बोल रहा है। आई प्रॉमिस टू यू 8 साल के एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर मैं जानता हूँ बहुत से, हर इंसान को एटीट्यूड आ जाता है थोड़ा सा ना रैंक आने के बाद में, तो वो सारी बातें ऐसे ही बोलता है कि जैसे बस। सो समझो तुम अपनी को, आपको उनके साथ मस्त हो, चलो तुम्हें पता है तुम्हारी अगर वीकनेस है राइटिंग ड्राफ्टिंग स्किल्स अगर वीक है, टेस्ट रेगुलर अटेंड करो क्योंकि तुम्हारी आंशिकीटी एग्जामिनर के सामने होती है और कोई नहीं होता, थोड़ा तो सोचो और टेस्ट के लिए रेडी रहो और नेक्स्ट सेशन के लिए भी। गुड बाय, टेक केयर।